ये हमारा एक श्वासर है, देख रहे हैं जो इस तरफ थोड़ा कटा हुआ है, इस तरफ पूरा प्लेन है, तो हमको ये ऐसे डालना है, एक काट जो है अंदर की तरफ करके डालना है इसके अंदर। इसको हम बैठा लेते हैं पहले। ये हमारा थ्रेशवाशर अंदर बैठ चुका है, देख रहे हैं। उसके बाद हमारा एक ठो बैरिंग आएगा जिसका नंबर है 33022, देख रहे हैं। ये हमारा ऐसे बैरिंग इसमें आएगा इसके अंदर। चलिए बैरिंग को भी बैठा लेते हैं अच्छे तरीके से अंदर। बैरिंग बैठ चुका है, एनाबुल लग गया। अब इसके अंदर टेंडम के अंदर इसको फिटिंग करेंगे। हमारा शाफ्ट अंदर बैठ गया है, बोल्ट टाइट हो रहा है। बाकी का जितना सामान है इधर से लगेगा। पीछे का प्लेट भी हमारा छोटा वाला सीट डाल के टाइट हो गया, लेकिन इधर से कंप्लीट हो गया हमारा। बैरिंग हमारा निकल चुका है एक तो। उठाओ तो उधर से बैरिंग उठाओ निकाल। बैरिंग पड़ेगा इसमें ठोक तो। लगाओ इसका सामने करके लगाओ। आइए आ जाएगा गिरिश का हमारा सामने सामने। अंदर बैठ चुका है। इधर हमारा सील भी लग गया एक 160 190 15 वाला, दोनों कोन इसमें है, नीचे एक ऊपर। अब हाउसिंग को इसके अंदर करेंगे। हाउसिंग अंदर डल गया है। अब बैरिंग के लिए थोड़ा ग्रीस डाल देते हैं अंदर। ऑयल भी आएगा, ग्रीस भी रहेगा इसमें। पाइप कहाँ गई? एक तो स्लो लगेगा, फिर एक वाशर, फिर हमारा बैरिंग एक तो लगेगा। इसको अंदर करो पूरा। लगाओ। हमारा प्लांटरी रिंग बैठ चुका है, देख रहे हैं। इसके ऊपर से एक लॉक लगाना है। बैठाओ इसको। लॉक हमारा बैठ चुका है। लॉक को पीछे साइड से लॉक कर दिया गया है। पाइप कहाँ गई? एक तो स्लो लगेगा, फिर एक वाशर, फिर हमारा बैरिंग एक तो लगेगा। इसको अंदर करो पूरा। लगाओ। ऊपर थ्रेड लॉक लगाओ पहले, थ्रेड का उसका गिरी साफ करो।
चेकनट में उल्टा सीधा रहता है, कौन सा भाग किधर रहेगा। देख रहे हैं इसमें एक थ्रेड वाला है, ये थ्रेड हिस्सा है, इसमें दो भाग कट करने हैं, एक तरफ प्लेन है, जो थ्रेड वाला है वो अंदर की तरफ रहेगा। जो लंकी बोल्ट है यहाँ से चढ़ेगा अंदर की तरफ राइट। छः नंबर एलेंकी बोल्ट है, ये पतला थ्रेड का देख रहे हैं। चेकनेट हमारा टाइट हो चुका है, एलेंकी बोल्ट छः नंबर एलेंकी से टाइट हो चुका है, थ्रेड लॉक वगैरह लगा के अच्छा तरीके से। अब हम प्लांटरी असेंबली इसको फिटिंग करेंगे, जो ये हमारा है। इसको साफ करो, पन वन हटा के इसी पे टपटा करके डीजल से पहुंच पाए तो हवा मार दो। सन गियर को बिन लेना है इशारे से, देख रहे हैं कैसे एक साइड बिन के उसके बाद एक वाशर डाल देना है। सॉफ्टवेयर निकाल के देखना है सेंटर, कुछ ऐसा फिटिंग किया हम लोग। 224 नंबर तो बोल्ट से इसको फंसा दिए हैं, ये फंसने के बाद से इतना फंस जाएगा कि हम लोग यहाँ इसको खोल लेंगे अंदर फंसाने के बाद से, कि हमारा प्लेट यहाँ से निकले ना। तो इसको हम पहले एनामोंड लगा के उसके अंदर फंसाएंगे क्राउन के अंदर। कैमरा एक्चुअल ठीक है, देख रहे हैं घूम रहा है। चैन को फिटिंग कर लेते हैं, धुला के दो ठो चैन है इसके अंदर आएगा बॉक्स के अंदर, देख रहे हैं दो ठो अंदर चैन चलने का जगह है, चैन स्प्रोकेट। तो चैन तो यहाँ से नहीं दिख पाएगा कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, आपको हम बता दें। देख रहे हैं एक ठो ये बाहर वाला जो है राइट का है, एक ठो
डैम भी सफाई हो रहा है। उसके बाद हमारा लिफ्ट लगेगा यहाँ, बस दो ठो राड लेके आओ हो जाएगा। अब हमारा टेंडम फिटिंग हो रहा है, हेड रैक की मदद से चढ़ा रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। हाँ देखो बोल्ट को फंसा लेना, अच्छा बोल्ट फंसा, निकला भी नहीं था रे। थोड़ा सा राड से दबा दिया जाएगा ना तो शर्ट चिपक जाएगा, थोड़ा दबा दो ना, चिपक जाएगा इधर तो दोनों तरफ से। थोड़ा सा और डाउन करो, हाँ डाउन करो, बहुत उठा हुआ है अभी, हल्का और डाउन करो डोरी। टेंडम कंप्लीट हो चुका है, अंदर से भी सब जितना 24 नंबर बोल्ट है सब टाइट हो गया, देख रहे हैं। हमारा 36 नंबर जो बोल्ट है, यू बोल्ट, इसका ऊपर से दो इधर चार इधर का टाइट हो गया, चार उस तरफ का परली साइड का ढीला किया तो भी टाइट हो गया। बाकी टायर लगाना बाकी है और इसमें गियर ऑयल डालना बाकी है, तो इसमें हम 24 लीटर डालेंगे गियर ऑयल और 20 लीटर डालेंगे क्राउन में, 18 लीटर के आसपास आता है, तो उसको हम सब कुछ डाल के उसके बाद टायर लगा के फिटिंग करेंगे, स्टार्ट करके फिर दिखाएंगे आपको। ऐसा कुछ हम सेटअप किए हैं मोटर से गियर ऑयल डालने के लिए, देख रहे हैं। तो हमारा गियर ऑयल डल रहा है, अब बैटरी का कनेक्शन 12 वोल्ट से किया हूँ इसका, तो इधर दिखाता हूँ कितना स्पीड में गियर ऑयल पड़ रहा है, ये देख रहे हैं। गियर ऑयल जो है हम अच्छा वाला डाल देते हैं इसमें, जो ख़राब है उसको नहीं डालेंगे। ये साफ सुथरा गियर ऑयल है, नया है, बहुत स्पीड से आ रहा है ऑयल, इसमें 24 लीटर पड़ेगा। इसमें अवेलेबल नट भी है साइड में, वो भी चेक कर सकते हैं हम। टाइट ऐसा सिस्टम है गियर ऑयल डालने के लिए। तो थोड़ा सा इधर लीकेज है, प्रेशर ज़्यादा है मोटर का तो यहाँ से लीकेज कर रहा है, इसमें टेपलेन टेप लगा के हमको लगाना पड़ेगा। टाइट है ना, तो इसे क्राउन में भी डालने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी गाड़ी में डालने में, ऑयल डीजल कुछ भी डालना है तो डाल सकता है। टायर चल रहा था ये वाला, वो वाला नहीं चल रहा था, दोनों चल रहा है, तो लॉक टूटने की वजह से, बैरिंग टूटने की वजह से एक टायर जोड़ नहीं लगा रहा था। अभी रिवर्स चेक किया जा रहा है, रिवर्स में घुमा के, रिवर्स गियर इसमें 6 होता है, ठीक है देख लो। गियर लगा हुआ है, बस बस ठीक है, इतना तेज तो हवाई जहाज की तरह घूम रहा है। बस बस नीचे रख दो, नीचे रखो।
प्लेटवा लगा ले तो बंद कर दो। लगा के लगा दो प्लेट।